Oh, oh, oh.
डॉक्टर मोहम्मद असल, चेयरमैन एनवायरमेंट साइंस। हक नवाज साहब, लेक्चरर एनवायरमेंट साइंस, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी। मिस्टर आसिफ हुसैन साहब, लेक्चरर एनवायरमेंट साइंस, उर्दू यूनिवर्सिटी। एनवायरमेंट साइंस, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। मिस सुमैया शबीर, सुमैया शबीर। अब्दुल लतीफ तूर, प्रेस क्लब संजोरो, सांगड़। मिस्टर आसिम हुसैन, टाउन ऑफिसर। एडवोकेट हाई कोर्ट, जनरल सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। मिस यास्मीन, मिस शबनम एजुकेशन विंग। मिस सुमेरा एजुकेशन विंग। और मिस आयशा एजुकेशन विंग। फराना मलिक एजुकेशन विंग। मिस्टर तारिक एजुकेशन विंग। जनाब नियाज साहब एजुकेशन विंग। जनाब खुर्रम साहब एनवायरमेंट।
जैसे कि पता है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, इस मौके पर ये वॉक का इंतजाम किया गया जिसमें आवाम को शोर देने के लिए। इस मौके पर आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट प्रेस क्लब कराची, इन्होंने अपने हाथ दस्त मुबारक से तमाम लोगों को सर्टिफिकेट दिए ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, ताकि लोग ज्यादा आ सकें और ये जाके दूसरों को भी जब दिखाएंगे सर्टिफिकेट, इस पर लिखा होगा कि अवेयरनेस की वजह से इनको एक सर्टिफिकेट दिया गया है। इस पर मैं अपना प्रेसिडेंट साहब के तासुरात चाहूंगा कराची प्रेस क्लब के, कि वो उस पर कुछ बयान करें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि आप इस नेक काम में इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा कॉज है और इसकी अवेयरनेस जितनी ज़्यादा फैलाएंगे उतना ही इस सोसाइटी को, इस मुल्क को, इस वर्ल्ड को फ़ायदा होगा। और मैं समझता हूं कि आपने ये वॉक का एहतमाम करके ये साबित किया है कि हमारा यूथ जो है वो अवेयरनेस, खुद भी उसमें अवेयरनेस है और वो चाहता है कि सारी दुनिया में अवेयरनेस आए और इस के दुनिया के माहौल को पुरसकून और एनवायरनमेंट से पुर एक माहौल बनाया जाए। मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगा और आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप इस किस्म के वॉक और इस किस्म के अवेयरनेस के प्रोग्राम को जारी रखेंगे जिससे लोगों में अवेयरनेस भी आए और लोगों को एहसास भी हो कि वो इस माहौल को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दरखास्त करूंगा टाउन ऑफिसर जनाब आसिम हुसैन साहब से, वो अपने कुछ तासुरात इस पे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आलमी यौम माहौल के मौके पर आवाम में माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ शऊर बेदार करने पे इस वॉक के इनेकाद पर शेप को बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये काम सिर्फ एक दिन पे मुहित नहीं है कि हम सिर्फ 5 जून को ही ये आलमी दिन मनाकर हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। जरूरत इस अमर की है कि माहौलियाती आलूदगी पूरी दुनिया का मसला है और खुसूसन पाकिस्तान इससे बहुत ज्यादा मुतासर है और इससे जो नुकसान हैं असल में हमें वो आगाही आवाम को पहुंचानी है। हम सिर्फ ये कह दें कि जी दरख्त लगा दें और पौधे लगा दें और उससे छाया मिलेगा, फल मिलेगा, ये नहीं है। जो असल हमें इससे खतरात लाहक हैं, जो इंसानी जिंदगी को इस तमाम चीजों से जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और खुसूसन हमारी आंदा आने वाली नस्लों को जो ये चीजें देखनी पड़ेंगी, तो उसके लिए बहरहाल ये एक वॉक है और ये सिलसिले को पूरा साल जारी रहना चाहिए। मैं अपनी जानिब से और लोकल गवर्नमेंट सदर टाउन की जानिब से आपको इस अहम दिन की मुनासबत से निकाले जाने वाले वॉक पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा भी आप इसी तरीके से इस मुल्क के लिए, आवाम के लिए, लोगों के लिए और इस अहम कॉज की शऊर को बेदार करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। अब मैं दरखास्त करूंगा सिविल सोसाइटी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी फहीम अहमद सिद्दीकी अपने तासुरात का ख्याल दें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सिविल सोसाइटी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से तमाम शुरका का बेहद शुक्रगुजार हूं कि वो आज के इस वाक में उन्होंने शिरकत की और इस जानेब जो हम वाक के थ्रू आवाम को मैसेज देना चाहते थे भरपूर मैसेज देने की कोशिश की गई और हमने कोशिश की कि हम बताएं कि कराची समेत दुनिया में एनवायरनमेंट के हवाले से इस वक्त हालात जो है बहुत ज़्यादा संगीन हो चुके हैं, बिलखसूस कराची के मामला ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, लिहाजा एनवायरनमेंट के ऊपर फौरी तौर पर हुकूमत और इंतजामिया को तवज्जा देने की ज़रूरत है। इस तवज्जा दिलवाने के लिए ही ये वाक का इनेकाद किया गया। हम तमाम शुरका और तमाम दोस्तों के बेहद ममनून मशकूर हैं। आखिर में मैं वाइस प्रेसिडेंट और कायम मुकाम प्रेसिडेंट शेफ ताहिर राजपूत से दरखास्त करूंगा कि वो अपनी जो करारदाद है वो पेश करें। जैसा कि आप शुरका को मालूम है कि आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, हमने तमाम शुरका की रजामंदी और मंजूरी से 10 करारदादें आज के दिन के लिए बनाई हैं, जिसके लिए तमाम शुरका की रजामंदी भी शामिल है और हम चाहते हैं कि इसे हम मीडिया के सामने पेश करें इन करारदादों को और मीडिया तक पहुंचाएं ताकि ये हुकूमत तक पहुंचे। सबसे पहली करारदाद ये है, हुकूमत माहौलियात के तहफ़ के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पुलिस यानी कि EPP का इदारा कायम करे। दूसरी करारदाद ये है कि निसाब तालीम में माहौलियात के मजामीन को शामिल किया जाए
और ये मजामीन इसी तरह से हो जिस तरह से 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बाकायदा प्रैक्टिकल एग्जाम और थ्योरी के एग्जाम होते हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री होते हैं, जिस तरह से उसी तरह से इन मजामीन को शामिल किया जाए और इनके कंपलसरी जो है मजामीन हो, इनके मार्क्स हो बाकायदा, यानी अमली और नजरी इम्तिहान के मजमून के तौर पर भी इसको शामिल किया जाए। तीसरी करारदाद यह है कि रिहायशी इलाकों का फौरी तौर पर सर्वे किया जाए, जिन रिहायशी इलाकों में सनअतें काम कर रही हैं इन्हें फौरी तौर पर इंडस्ट्रियल जोन में मुंतकिल किया जाए। आप सब जानते हैं कि आपके गली मोहल्लों में शोर की आलूदगी, धुएं की आलूदगी, कचरे की आलूदगी, ये तमाम चीजें जो है आपके गली मोहल्लों में है और इन्हें जो घरेलू सनअतें बनी हैं इनकी वजह से ये हो रहा है। अगर इनको इंडस्ट्रियल जोन में मुंतकिल कर दिया जाए तो हमें इस आलूदगी से निजात मिल सकती है। नंबर चार करारदाद है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद की जाए। आप जानते हैं पाकिस्तान में गाड़ियों की उम्र खत्म होने की कोई कैद ही नहीं है, यानी जब तक गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद ना हो जाए उसको डिस्पोज नहीं किया जाता है, जबकि जदीद दुनिया में ऐसा नहीं है बल्कि एक उम्र रखी गई उन गाड़ियों की, उस अरसे के बाद उन गाड़ियों को डिस्पोज कर दिया जाता है। इन्वायरमेंट के तहफ़ से मुतालिक ट्रिब्यूनल को फाइल किया जाए और मजिस्ट्रेट की निगरानी में इंडस्ट्रीज का सर्वे करवाया जाए। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि तमाम इदारे मौजूद हैं लेकिन सब गैर फाल हैं। अगर ये इदारे हमारे गैर फाल हो जाएं जिनका काम मॉनिटरिंग करना है तो हम समझते हैं कि आलूदगी के फैलाव में 50% तक कमी आ सकती है। नंबर छः करारदाद है हर सनत में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की शर्त आयद की जाए, हुकूमत इस सिलसिले में काबिले अमल कानून साजी करे। आप लोग जानते हैं पाकिस्तान में कवानीन बहुत मौजूद हैं और ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के हवाले से भी कानून मौजूद है लेकिन इस पे अमल नहीं होता है और हर इंडस्ट्री जो है आलूदगी फैलाने का जरिया बनी हुई है। नंबर सात करारदाद है हुकूमत इब्राहिम हैदरी और रेडी गोट से समंदर में गिरने वाले केमिकल ज्यादा पानी पर फौरी तौर पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए। कराची के शहरियों को ये मालूम होना चाहिए कि रोजाना हजारों लीटर पानी जो केमिकल ज्यादा होता है अगर कोई शख्स उसमें कदम रख दे तो उसके पांव जो है वो फौरी तौर पर जो है जख्मी हो जाएं और यानी उसमें खतरनाक किस्म के वायरस और केमिकल्स होते हैं जिससे बहुत इंतहाई जो है इंसानी जिंदगी और ओवरऑल जिंदगी के लिए इंतहाई मुज़र है, जिसमें हमारी जो है समंदरी मछलियां और दीगर जो है जानदार चीजें हैं जो समंदर में होती हैं वो भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। करारदाद नंबर आठ है गली मोहल्लों सड़कों दुकानों के आगे और शाहराओं पर कचरा फेंकने पर जुर्माना आयद करने का कानून लागू किया जाए। ये कवानीन मौजूद हैं लेकिन इन पे अमल दरामद की जरूरत है। नंबर नौ माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए हुकूमती सतह पर मीडिया मुहिम चलाई जाए ताकि आवाम में माहौलियात के तहफ्फुज़ का शऊर बेदार हो। नंबर दस पौधे लगाने को फरोग देने के लिए मुल्की सतह पर मुहिम का आगाज किया जाए ताकि इस मुहिम में हर शहरी शरीक हो सके। ये आज की करारदादे हैं और हम तमाम शुरका से यही उम्मीद करते हैं कि वो इन करारदादों की हमायत में वोट देंगे। वोट कीजिएगा भाई करारदाद के हवाले से। सर आपको मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। कर दिया और बोलो। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी हालात खराब में भी सब माशाल्लाह तशरीफ ले आए और मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और खवातीन का जहाँ तक सफाई का है, आप सबको पता है कि घर में मर्द सफाई नहीं करते, औरतें ही सफाई करती हैं और जहाँ बाहर का माहौल है वो भी खवातीन की वजह से बाहर खराब होता है। कचरा उठाया बाहर फेंक दिया, अगर यही खवातीन तालीम याफ्ता है शऊर में है तो डस्टबिन में कचरे को रखेंगी। और आपको पता है ये कचरे से बैक्टीरिया फैलते हैं, डायरिया फैलता है, जरासीम फैलते हैं, हेपेटाइटिस फैलता है और फिर डेंगू वायरस वगैरह ये सब इस तरह की बीमारियां परवान चढ़ती हैं। तो सफाई जो है इंसान के लिए, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान जो इंसान का सफाई मरे। आप देखिए आप किसी के घर चल जाइए अगर उसका एनवायरमेंट अच्छा नहीं है तो आप घबराना शुरू कर देंगे, भले वो कितनी भी आपकी खातिर तवाजा करेगा आप कहेंगे बस फूटो। अगर वो कुछ भी नहीं आपको दे रहा लेकिन आपने उनके घर गए, आपने देखा उनका माहौल अच्छा है, बच्चे साफ सुथरे हैं, खवातीन बड़े अदब एहतराम से नीट टाइडी आपके साथ आ रही, आप खुद चाहेंगे कि 10 मिनट और इंतजार करें। हमारी खवातीन तो शुरू से ही बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी आप देख लीजिए, अभी हम दूसरी जगह गए हुए थे, नाजमाबाद में था हमारा प्रोग्राम, अभी वो अटेंड करके हम यहाँ आए और खवातीन हर जगह ही मेरा ख्याल है के एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व है। थैंक यू जीना तबसम जी।